नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। गाजीपुर में कोरोना संक्रमण रुकता दिखाई नहीं दे रहा है। हर दिन भारी मात्रा में नए मरीज पाए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को भी जिले में कुल 44 नए मरीज पाए गए, जिसके बाद जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3008 हो गई है। बता दें कि जिले में अब तक कुल 24,654 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में हमारी आपसे अपील है कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करें और बाहर निकलने पर मास्क जरूर पहने। पितृपक्ष के पहले दिन गुरुवार को जिले के गंगा घाटों पर स्नान कर लोगों ने पिंडदान कर अपने अपने पितरों का तर्पण किया। मान्यता है कि कुल खानदान के पितर इस पखवारे में पृथ्वी पर आ जाते हैं। ऐसे में परिजनों की ओर से उन्हें पिंडदान कर तृप्त किया जाता है। अपने वंशजों से पिंड प्राप्त करने के बाद पितर तृप्त होकर स्वर्गलोक को चले जाते हैं। इसके तहत जिले भर में गंगा घाटों समेत स्वच्छ स्थानों तथा घरों में लोगों की ओर से पिंडदान करने का क्रम शुरू हो गया है। इसके तहत एक पखवारे के बीच पड़ने वाली तिथि पर लोग इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। सेवराई क्षेत्र के बकैनिया स्थित शिव मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित कृष्णानंद पांडे ने बताया कि श्राद्ध का मतलब श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करने से है। सनातन मान्यता के अनुसार जो परिजन अपना देह त्याग कर चले गए हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है, उसे श्राद्ध कहा जाता है। गाजीपुर सदर कोतवाली के मिठन पारा बिंद बस्ती की करीब 50 महिला पुरुष ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह और जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य को प्रार्थना पत्र सौंपा। इसमें गांव के करीब 1 दर्जन लोगों पर दबंगई का आरोप लगाया। कहा कि बिंद बस्ती का सरकारी राशन का वितरण एक महिला के नाम है। ये उन्हीं के परिवार की हिस्सा है जो कभी भी सही तरीके से हम लोगों को राशन का वितरण नहीं करती हैं। और उनके गोल के लोग भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, जिससे गांव के लोग भयवश सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन नहीं ले पाते हैं। इसलिए मिठन पारा के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को निरस्त कर बिंद बस्ती के किसी व्यक्ति को दिया जाए। प्रार्थना पत्र सौंपने के दौरान लक्ष्मी देवी, रिंकू देवी, सती देवी, सुशीला देवी, चंदा देवी, देवशरण राम, प्रियंका देवी, कुसुम देवी, उषा देवी, मीना देवी, फूला देवी, मुन्नी देवी, महंगी, लक्ष्मीना, उर्मिला, चंपा देवी, महेंद्र, इंदु देवी, पूनम देवी, गीता देवी आदि मौजूद थी। पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने शासन व UGC की मंशा के अनुसार BA तथा MA अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में गुरुवार को स्वामी सहजानंद PG कॉलेज में प्रथम पाली में BA तृतीय समाजशास्त्र की परीक्षा हुई, जबकि शाम की पाली में BA तृतीय मनोविज्ञान की परीक्षा हुई। प्राचार्य रविंद्रनाथ राय और अजय राय ने बताया कि कॉलेज में प्रवेश करने से पहले मुख्य गेट पर छात्रों का हाथ सैनिटाइजर से धुलवाया गया, इसके बाद प्रवेश दिया गया। परीक्षा में कुल 254 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। इसके अलावा PG कॉलेज महिला महाविद्यालय सहित अन्य कॉलेजों में भी परीक्षा हुई। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के विरोध में लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी जनपद में उपखंड स्तर पर 9 जगह चिन्हित कर पूर्व निर्धारित रणनीति के तहत शाम से 4 से 5 बजे तक विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के प्रस्ताव पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया। संयोजक निर्भय नारायण सिंह ने कहा कि किसी भी कीमत पर निजीकरण मंजूर नहीं किया जाएगा। सभा में अधीक्षण अभियंता विजय राज सिंह, इंजीनियर आशीष चौहान, इंजीनियर महेंद्र मिश्रा, इंजीनियर मनीष निषाद, इंजीनियर आदित्य पांडे, सहायक अभियंता मिठाई लाल, सहायक अभियंता अभिषेक राय, सहायक अभियंता संजीव कुमार भास्कर, सहायक अभियंता मनोज कुमार पटेल, सहायक अभियंता चौधरी जी, जूनियर इंजीनियर पंकज जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।